मैनपुरी की नई सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को संसद भवन पहुंचकर सांसद के तौर पर शपथ ली है और उन्होंने मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज शाक को 288,461 वोटों से हराया था। संसद सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करने आई डिंपल यादव के साथ उनके पति और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। श्रीमती डिंपल यादव, मैं डिंपल यादव ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डिंपल यादव को सांसद पद की शपथ दिलवाई। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली स्थित संसद भवन पहुंची थी। सदन की शपथ लेने के बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मैनपुरी में रिकॉर्ड मतों के साथ जीत हासिल करने के बाद आज डिंपल यादव ने सांसद की शपथ ली। शपथ लेने के ठीक बाद उन्होंने सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि डिंपल यादव तीसरी बार सांसद बनी है। शपथ ग्रहण के बाद सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संसद में महंगाई, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिलाओं की सुरक्षा समेत कई मुद्दे उठाएगी। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इश्यूज उठाएगी और बहुत दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल में, जहां महंगाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, जहां महिला सुरक्षा की बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, तो और जहां युवाओं के रोजगार की और नौकरियों की दिक्कत है। तो आप देखेंगे आने समय में समाजवादी पार्टी सभी इश्यूज उठाएगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर वार किया। उन्होंने महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। वहीं व्यापारियों पर जीएसटी के छापे को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और यूपी जैसी जगह जहाँ छोटा दुकानदार है, छोटा कारोबारी है, कोरोना से अभी उभर नहीं पाया है, लोन और उसके अभी तक सर पे चढ़े हुए हैं, जीएसटी को पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाया है, उस समय आप छापा मार रहे हैं। आप जीएसटी की एक टीम बनाकर छापा मार रहे हैं। अगर आप इस तरह हमारे छोटे व्यापारी और दुकानदार को परेशान करेंगे और दूसरी तरफ अपनी टीम भेजोगे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, आप कहां से इन्वेस्टर लेके आएंगे? और जो 5,00,000 करोड़ पता नहीं कितने का सपना दिखाया है, ये सपना कैसे पूरा होगा? आपको बता दें कि लोकसभा सांसद के रूप में डिंपल यादव का ये तीसरा कार्यकाल होगा। वो कन्नौज से 2 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि डिंपल यादव का सियासी सफर कहां कहां क्या क्या रहा है, वो हम आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। ये देखिए, डिंपल यादव का सियासी सफर 2009 के आम चुनाव में हार गई थी डिंपल यादव। 2012 की बात करें तो उपचुनाव में निर्विरोध जीती थी डिंपल यादव। 2014 में कन्नौज से जीती डिंपल यादव और उसके बाद 2019 में कन्नौज से ही दोबारा चुनाव लड़ा और चुनाव हार गई और सुब्रत पाठक ने हराया था, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। कन्नौज से 2019 में हार गई थी डिंपल यादव और एक बार फिर से अब चुनावी मैदान में रही और इस बार भारी मतों से जीत हासिल की।